हेलो हेलो गाइस, गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं हूं हूं बशीर। सो गाइस, पाकिस्तानी फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ बैंगलोर एंड बैंगलोर स्ट्रीट फूड ये लेकर आए हैं। मुशी भाई बैंगलोर पहुंचे और उनका उधर खाना भी उन्होंने ट्राई किया और साथ में बैंगलोर भी देखा। कैसा इनका इंप्रेशन था देखते हैं इस वीडियो के अंदर, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। फाइनली पहुंच गए बैंगलोर। डोमेस्टिक बैंगलोर में डोमेस्टिक खाया था। पहुंचने से पहले बैठ पड़ा। ये देखो भैया, बड़ा ही इको फ्रेंडली डोमेस्टिक भी बनाया हुआ है एयरपोर्ट। और ये लकड़ी के बैम्बू के हाथी, ये चेक करो, छोटे छोटे बैम्बू है, इतना खूबसूरत इन्होंने आर्ट वर्क किया, बहुत ही ज्यादा यार। एक सिटी में काफी एयरपोर्ट होते हैं, बहुत ही बढ़िया आर्ट वर्क उधर भी बनेंगे, बहुत आला। मैं सच बोलूं तो हमारे इधर एयरपोर्ट ऐसे नहीं होते जितने यार। ये एग्जिट का रास्ता इंडिया आ गया। इंडिया बहुत अलग है, ये ट्रांजिट पोर्टल है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है भाई। हर दफ़ा लगता है एग्जिट हो रहा है लेकिन होता नहीं है एग्जिट। जिसका मैंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दिखाया था, कैफे स्टे भी बैम्बू टाइप बने हुए थे, ये देखें सब लकड़ी का काम है, बहुत अच्छा। ओ भैया वेलकम टू बेंगलुरु। व्हाट डू यू से, बेंगलुरु और बेंगलुरु? तो भाई पाकिस्तान में वैगनार बहुत ही कॉमन गाड़ी है, और जब से मैं इंडिया में आया था मैं वैगनार में बैठना चाह रहा था, इंडियन वैगनार में, और फाइनली आज मैं बैठ गया। तो ना सिर्फ बेंगलोर एयरपोर्ट बल्कि जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तो तब भी वो वाली वाइब्स नहीं जा रही थी। बहुत ही खूबसूरत इनकी रोड, और जिस तरह ग्रीन और लाइटिंग सेट की हुई थी भाई, दिल खुश हो गया। तो भाई बेंगलोर में आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया सिटी लग रहा है अभी। तो अभी एयरपोर्ट से निकले हैं, वैगनार सड़कों पर चलती बहुत देखी अभी, उबर में कराई है। भैया कह रहे हैं बहुत बढ़िया गाड़ी है। भैया एवरेज क्या है इसकी, एक लीटर में? सर अभी सीएनजी में है। सीएनजी में कितना, एक टैंक में कितना कर जाती है? ढाई सौ चलती है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, और कितने का भरता है? 8 kg आता है, 650। 650 का 8 kg भरता है, और उसमें 250 चलता है, और उसमें 250 एक किलोमीटर हो गया तकरीबन 25। तो 1 किलोमीटर जो गाड़ी चलती है वो तकरीबन 2-2.5 रुपए पड़ती है। ढाई रुपए में एक गाड़ी, मतलब 3 में बहुत सस्ती चल रही है भाई। पेट्रोल ज्यादा महंगा पड़ता है। ये है जी मेरे को अभी तक वो गया नहीं, वो वाला वो बैम्बू और ये। तो भाई ये पहले रेस्टोरेंट आप देख लें, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ बेंगलोर। अंदर बाजार जा रहा है और एयरपोर्ट रोड के बाद ये पहला बाज़ार शुरू हुआ है। बिरयानी शिरयानी डोसे शोसे पता नहीं क्या क्या यहाँ मिल रहा है, ढाबे हैं, पंजाबी ढाबा भी देखो। ये ऊपर हाईवे, साथ ही हाईवे जा रही है, इस पर चढ़ेंगे हम। अच्छा थोड़ा सा साइड पर बना हुआ है काफी बोलते हैं। तो ये थी, ये ऊपर मेट्रो बन रही है भाई, क्या है ये मेट्रो है? मेट्रो के लिए पाइप शायद बिछे हैं, साल पहले भी है लेकिन ज्यादा बड़ी कर रही है मेट्रो। रात को भी काम जा रही है, ये लगता है एयरपोर्ट में शायद कनेक्ट करेंगे मेट्रो को, रात को ज्यादा काम चल रहा है। भैया सीएनजी भरवा रहे हैं गाड़ी में, और यहाँ पे एक रूट है सीएनजी भरवानी है तो गाड़ी से निकलना पड़ेगा, तो देखते हैं कितने की है। अच्छा 83.5 kg है, और फुल टैंक में 250 से 270-280 चल जाता है वगैरह। नहीं अभी नहीं भर रहे, केजी के लास्ट से उधर की लेते हैं वो है ना भैया। अच्छा वो उसका है, हमारे इधर एक जगह लीटर है, एक जगह केजी है, देखते कितने की पड़ती है। ये वैगन आ रहा है, अब भर रही है, केजी ज्यादा भरा है क्या? आयरन ही दे रहे हैं आगे, कितने में बहुत ज्यादा मिलती है और सस्ती है। देखते हैं भाई वैगनार में कितने की भरती है। बस ये कोई और गाड़ी है, एर्टिगा। एर्टिगा बहुत मॉडर्न है, ये 7 सीटर है,
काफी जबरदस्त नहीं, सेवन सीटर है, सेवन सीटर सीटें नीचे। वाह ये अच्छी लग रही है गाड़ी, लेकिन अभी भी ज़्यादातर लोग यहाँ पे मैनुअल यूज करते हैं, आप देख सकते हैं ये भी अच्छी है। ये है भाई अपनी वैगन आर, तो ये भाई तकरीबन 600 रुपए की, 596 रुपए की भरी है और नॉट बैड यार, 7 किलो 8 किलो तक भर जाती है अगर फुल खाली हो, और अब इसमें चल जाएगी 250 से 300। चलते हैं भाई, वो सही भैया बेंगलोर सिटी शुरू हो गया है, लाइट बहुत कम है तो इसलिए आपको क्वालिटी जो है सही नहीं मिलेगी वीडियो की, तो अच्छा लग रहा है, बड़ा डिफरेंट सा लग रहा है, बिल्कुल जो वाइब है ना वो दिल्ली से और पंजाब से बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ। आपको दिखा दिया था मैंने बेंगलोर का फर्स्ट फूड, एयरपोर्ट से सीधा हम आए हैं इस जगह पे अदियार आनंदा भवन, तो किसी ने रिकमेंड किया यहाँ जाए खाए पिए और रिव्यू दें, वो जाते हैं यहाँ के खाने बहुत ही अलग है, वो जो दिल्ली में दिखा रहे थे उससे कोई जमीन आसमान का फर्क है, कंट्री एक है लेकिन कल्चर अलग है, तो जाते हैं अंदर आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा विजिट कराते हैं और रिव्यू देते हैं, आ रहे हैं मेरे साथ। देखो ये साउथ इंडियन खाने समोसा है, ये तो नहीं मशरूम डोसा, पालक डोसा, छोले भटूरे, ये तो पता ही है, अक्की रोटी पता नहीं क्या है, की बहुत बड़ी वैरायटी है मिठाइयों की, यहाँ की मिठाइयाँ बहुत अलग होती हैं। ये देखो पनीर जामुन कभी नहीं देखा जिंदगी में पहली दफ़ा, हम रात को आए तो काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, काला जामुन तो हो सकता है वो गुलाब जामुन का, ये देखें माँ लड्डू, ये पता नहीं क्या चीज़ है, तो बहुत सी ऐसी मिठाइयाँ हैं जो कि ज़िंदगी में हम पहली दफ़ा सुन रहे हैं देख रहे हैं, तो खाना तो दूर की बात है, बहुत आला कुछ ना कुछ ज़रूर टेस्ट करेंगे हम, तो अभी हम वहाँ ऑर्डर दे रहे हैं, वेज रेस्टोरेंट है तो ये चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है, हर चीज़ वेज होती है, भारत में वेज वेज है, पराठा भी है, भारत जैसा वेज कोई नहीं बना सकता, ये देख नवाधम, अच्छा भारत में थाली वाला कल्चर बड़ा मस्त है, इंडियन वेज रेस्टोरेंट। ये देखो भाई गर्म पानी में डाला हुआ है, हाइजेनिक तरीका है, ये मैंने पहली दफा देखा है, लेकिन ये बेस्ट तरीका है, हमें होता है चम्मच वम्मच गंदे होते हैं धुले नहीं, अगर वो काम सही नहीं भी करेंगे तो चम्मच फिर भी अच्छे होंगे साफ सुथरा। ये देखो भाई आ गया है हमारा मसाला डोसा, अच्छा ये देखो पत्ते पे रखा हुआ है, ये साउथ की लुक आई जबरदस्त, और हम लेके जाएंगे इसको अपने टेबल पे, यार सबसे अच्छी चीज है केले के पत्तों में, ये देखो बहुत आला टेस्ट करेंगे फिर आपको कराएंगे, ये देखें साथ फ्रेश कोकोनट चटनी, चिली गार्लिक सांभर और ये जो अंदर इसके आलू डले होते हैं, वो डोसे की जन्नत है ये जगह। लो भाई साउथ इंडिया का पहला डोसा, ये बहुत क्रिस्पी नहीं है, तो मैंने जो खाए हैं अब तक बड़े क्रिस्पी खाए हैं, थोड़ा सा मसाला यार ये मेरी फेवरेट है, जो सुना था ना उन्होंने कहा था भाई दिल्ली बिल्ली के डोसे भूल जाओगे, यहाँ का खा के थोड़ी सी तुम्हें डिफरेंट लग रहा है, क्रिस्पी दो अच्छा लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा साइडों से क्रिस्पी है अंदर से नरम है, तो खाते हैं थोड़ा सांभर के साथ साथ ऊपर। तो भाई साउथ इंडिया में पहला डोसा वाकई यार ये नेक्स्ट लेवल का था, मज़ा आ गया, डोसा साउथ का दिल्ली तो मैं खाता हूँ, आप मेरे वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें, यार कहने की जरूरत पता नहीं क्यों पड़ती है, प्लीज़ कर दो, अगर वीडियो देखनी नहीं देखनी तो यार फिर एक बार कमेंट में बता दो, हम नहीं कर सकते। तो भाई डोसे के बाद हमने बहुत ही मज़ेदार वड़ा ट्राई किया जो कि डिफरेंट चटनियों के साथ आया था, बट भाई अनफॉर्चुनेटली शायद एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि उसका रिव्यू रिकॉर्ड हो ही नहीं सका, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार था। ये दोस्त
डोनट टायर तो चटनी के साथ बनता है। चटनी कितनी ज्यादा देते हैं यार, इसके लिए तो दो बड़े और दो बड़े पड़ेंगे तो तब चटनी में खत्म हो जाएगी। सांभर डिफरेंट तरह की सब्जियों से बनता है, एक तरह से चटनी, ये दो चटनियाँ बहुत फेमस है सांभर। देखो जहाँ से जहाँ जो सा फ्रूट ओरिजिनेट होता है ना उस जगह से ज्यादा बेटर कहीं पे टेस्ट है। अब हैदराबाद की बिरयानी हैदराबाद में जाके आप खाओगे ना तो आपको एक अलग टेस्ट मिलेगा। कराची की बिरयानी आप कराची में जाके खाओगे ना आपको मजा आएगा। आप देखो हमारे पास कराची बिरयानी के नाम से 100 दुकानें हैं लेकिन जो कराची में मजा है वो वाला मजा आपको नहीं मिलेगा। तो इसी तरह हैदराबाद की बिरयानी कहते हैं बिरयानी इंडिया में दो जगहों की बहुत मशहूर है, एक कोलकाता की और एक कोलकाता की। कोलकाता में अंडे भी डालते हैं और हैदराबाद की और देखो डोसा फिर जाहिर बात है साउथ में जो बनेगा वो नॉर्थ में नहीं बनेगा और छोले भटूरे जो नॉर्थ में बनेंगे वो साउथ में नहीं बनेंगे। तो जो से जो चीज निकलती है वो उधर की बेस्ट। लेकिन यार मैंने एक और बात भी है ना, देखो हर आप 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाओ टेस्ट अलग है। आप 100 किलोमीटर ट्रैवल करो ना आपका खाने का भाषा चेंज मिलेगी, आपको कल्चर चेंज मिलेगा, आपको खाना अलग मिलेगा। इंडिया की ब्यूटी ही है, इंडिया अपने आप में एक दुनिया है भाई। हाँ कहते हैं कि वाटर का भी टेस्ट अलग होता है, मतलब पानी आप पियो दिल्ली का और आप पानी पियो बेंगलुरु का आपको यार ये फर्क है बहुत ज्यादा। ये चीज है यार उधर, मतलब ये आपका भी इसमें कहना है। मेरा कमेंट सेक्शन में तो आपको कैसे लगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।